हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डेस्टिनेशन पे। और जैसा कि हम लोगों ने आधुनिक भारत के सीरीज को शुरू किया था और देखा था औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस तरह से शासक आए और अपने साम्राज्य के वर्चस्व को खोते चले गए, तो इसी क्रम में हमने बताया भी था दोस्तों कि जिस तरह मुगल शासक कमज़ोर होते गए, उसी के साथ साथ जो आसपास के जो भी सूबा था यानी कि जितने भी राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। इसी कड़ी में महाराष्ट्र बंगाल जो है सो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, अवध जो है सो अपने आप को कर लिया था, उधर सिख धर्म भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। और इसी क्रम में यानी कि जब औरंगजेब की शासन को चल रहा था उसी समय में महाराष्ट्र में भी जो है सो हिंदूवादी जो है सो एक संप्रदाय के लिए शिवाजी ने अपना जो है सो सर उठाया और औरंगजेब के खिलाफ शासन को बढ़ाने के लिए अपना जो प्रतिबद्ध था। और इसी क्रम में उन्होंने एक उपाधि भी लिया था जिसका कि नाम हिंदुत्व धर्मोधारक कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से औरंगजेब यानी कि उस समय का जो बोल सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन था, उसके शासनकाल में मराठा ने अपने आप को अपने अस्तित्व को किस तरह से बनाया बढ़ाया और अपने शासन व्यवस्था को एक मजबूत स्थिति प्रदान की और मराठा साम्राज्य का जो है सो एक बोल सकते हैं कि उदय किया उन्होंने, मराठा साम्राज्य की नींव रखी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मराठा साम्राज्य यानी कि महाराष्ट्र की बात हम लोग कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र यानी कि दक्षिण। तो दक्षिण में जाने से पहले हम लोग भारत की जो भौगोलिक स्थिति है दक्षिण की उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिना इसके भौगोलिक स्थिति को जाने हुए यहाँ पे कोई भी शासक ज़्यादा समय तक शासन कर नहीं सकता। ये दक्षिण भारत का मैंने थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश किया दोस्तों, बहुत अच्छा चित्र मैं नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों मराठा। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र का यहाँ पर उदय होता है और इसके जस्ट नीचे जो है सो आता है एक साम्राज्य जिसका नाम है आदिलशाही साम्राज्य। इधर आता है आपका मराठा और इसके जस्ट सामने दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे निजाम शाही साम्राज्य। और यहाँ बैठा है अपना ओसामा बिन लादेन यानी कि औरंगजेब यानी कि दिल्ली का तख्त। ठीक है दोस्तों, तो भारत की जो स्थिति है और इसमें आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि हमारा जो पूर्वी तट है इसको हम लोग पूर्वी घाट के या पूर्वी पर्वत के नाम से जानते हैं और जो पश्चिम है इसको हम लोग पश्चिमी घाट या फिर पश्चिमी पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन दोनों पर्वतों को मिलाने का जो और इन दोनों पर्वत को जो मिलाता है उसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दक्षिण भारत का एक जो है भौगोलिक स्थिति है और यहाँ पे शासन करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया था औरंगजेब के शासन में भी बताया था कि किस तरह उसने यहाँ पे वर्चस्व जमाने के लिए अपने जीवन के अंतिम 25-30 साल जो है यहीं बिताया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे शासन करने का डिजाइन ही अलग है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है दोस्तों, जब ये यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ पे चलो लड़ाई किया, यहाँ के शासक को जीता और इसके साम्राज्य को अपने अधीन किया, फिर यहाँ से जब ये वापस गया तो यहाँ का शासक जो है सो इसकी अधीनता को तो स्वीकार कर लेता है उस समय, बट इसके जाने के बाद जो है सो खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। तो इस तरह से जो है सो यहाँ पे शासन करना काफ़ी टफ था, यहाँ पे अपना जो है सो वर्चस्व बनाए रखना काफ़ी टफ काम था और ये औरंगजेब के लिए भी टफ साबित हुआ था। ठीक है दोस्तों, और यही दक्षिण में यहाँ पर इस एरिया में मराठा साम्राज्य का उदय होता है। तो चलेंगे हम लोग मराठा साम्राज्य की तरफ, देखते हैं शिवाजी के व्यक्तित्व को जो कि एक चमत्कारिक व्यक्तित्व था। इतने बड़े साम्राज्य को बनाने के पीछे कोई साधारण इंसान का काम ये नहीं हो सकता, कि जो प्रतिभा है, इनके जो चमत्कारिक व्यक्तित्व है, इसके पीछे भी यहाँ की भौगोलिक स्थिति का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दक्षिण यानी महाराष्ट्र में पहाड़ी इलाका बहुत है, बंजर भूमि बहुत है, जल नदी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर पला बढ़ा जो सो इंसान, वहाँ पर जो सो बचपन बिताया हुआ इंसान काफ़ी सुदृढ़ और हष्ट पुष्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो सो छवि शिवाजी के व्यक्तित्व में झलकता है और जिस तरह का जो झाड़ूपन है वो उनके बचपन से ही और उनके इन्वायरमेंट से ही आया है। तो और शिवाजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितना पहाड़ का ज्ञान उनके पास था वो इसी के बदौलत एक युद्ध नीति की शुरुआत करते हैं जिसको कि छापामार युद्ध नीति बोलते हैं, जिसको कि गोरिल्ला युद्ध नीति बोलते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, गोरिल्ला युद्ध नीति या फिर छापामार युद्ध नीति, इसकी शुरुआत जो है सो महाराष्ट्र में और शिवाजी के द्वारा ही होती है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि और युद्ध नीति होता क्या है दोस्तों कि दो पहाड़ों के बीच
कहाँ से भागना है, कैसे भागना है कि और कब जो है सो आक्रमण करना है, ये सारा जानकारी और ये सारा जो है सो मैप इनके दिमाग में पहले से बना हुआ रहता है, क्योंकि पहाड़ी कैन को चप्पे चप्पे का ज्ञान था। और आपको पता होगा तो इनको जो है सो पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। पहाड़ी चूहा इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ के बारे में जितनी विस्तृत जानकारी ये रखते थे कि इनको पार पाना और यहाँ पे इस पे इनको जो है सो हरा देना आक्रमण करके, ये बहुत ही मुश्किल काम था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा शिवाजी के बारे में, थोड़ा बेसिक जानकारी जो प्राथमिक जानकारी उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1680 ईस्वी में होती है। इनके पिताजी का नाम शाहजी है और इनका जो वंश है वो भोसले था, इसलिए इनके पिताजी के नाम के साथ शाहजी भोसले लगा सकते हैं। इनके माता का नाम जीजाबाई था, पत्नी साहिबाई, जिनसे की शादी 1640 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी 7 शादी हुई थी, जिसमें कि प्रथम पत्नी साहिबाई थी और इनका जन्म सिवनेर नामक जगह है पुणे के पास, वहाँ पे हुई थी। कुछ नहीं दोस्तों, बस आप शिवाजी याद रखना, शिवाजी में ही सारा कोड छुपा हुआ, यानी कि स से शिवाजी, स से शाहजी और जी से हो जाएगा जीजाबाई और शिवाजी से हो जाएगा सिवनेर। ठीक है, तो इस तरह से वो एक तरह का कोड है आपके पास, तो वो याद हो जाएगा। और इनके व्यक्तित्व में जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था वो उनकी माता जी का पड़ा था, क्योंकि आपको पता होगा कि इनका जो पिताजी थे यानी शाहजी, ये इनको छोड़ चुके थे बचपन में ही, तो इनका जितना भी पालन पोषण हुआ, जितना भी देख रेख हुआ, शुरुआती जो भी ज्ञान है वो जीजाबाई से ही प्राप्त हुआ। तो ऐसा पूछा भी जाता है कि शिवाजी के व्यक्तित्व में अगर सबसे गहरा प्रभाव किसी का है तो किसका है, तो वो है जीजाबाई का। और इनके एक संरक्षक थे जिनका नाम था दादा कोंडदेव। ये दादा नहीं थे, बस इनका नाम था दादा कोंडदेव। ठीक है, और इनके एक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, इनका नाम था रामदास। ये वही रामदास है दोस्तों जिन्होंने दासबोध नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आप इनका जो सो संरक्षक था, या फिर बोल सकते हैं कि राजनीतिक गुरु बोल सकते हैं इनको, और इनका जो आध्यात्मिक गुरु था ये रामदास और राजनीतिक गुरु जो है दादा कोंडदेव। ठीक, और शाहजी की थोड़ा चर्चा कर रहे थे दोस्तों। शाहजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाहजी का संबंध औरंगजेब के शासन में जो कोई सेनापति था उच्च पद पे, उनसे इनका संबंध था। और औरंगजेब ने भी इस चीज़ का बहुत फायदा उठाने की कोशिश की थी कि उसकी इस रिलेशनशिप की वजह से हम दक्षिण में अपना साम्राज्य को विस्तार दे पाएँ, बट उसमें वो असफल होता है। और इसी क्रम में शाहजी जो है सो अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ देता है और आदिल शाही साम्राज्य का सेनापति बन जाता है। 1637 ईस्वी में पुणे का जो एरिया है, पुणे का जो रियासत है, वो जो है सो शिवाजी के हाथों में देकर खुद जो है सो सेनापति बन जाता है आदिल शाही साम्राज्य का। तो शिवाजी के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, कि वो बचपन से इस तरह के जुझारू प्रवृत्ति के थे ही, और उनका जो ज़्यादा मन लगता था वो खेलने कूदने में लगता था, वो भी खेल कूद वो बच्चों वाली बड़ों वाली, कहने के मतलब घुड़सवारी हो गया, तलवारबाजी हो गया, तो इस तरह के गेम में उनका पालन पोषण हुआ है। और ये जो भी गेम है आप देखें, ध्यान दोगे दोस्तों, तो ये सारा ग्रुप में, यानी कि कम से कम 2-4 आदमी चाहिए, तो इनके जितने भी सहपाठी थे तो इनके साथ साथ वो भी सारा समय बिताते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इनके समय जो जितनी भी महिलाएं थी वो अपने बच्चे को शिवाजी के साथ खेलने से मना करते थे कि वो भी बिगड़ जाएगा, बट बाद में जाके वो सब झूठ साबित होता है और शिवाजी एक महान जो सो शासक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं, अपने आप को साबित करते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है दोस्तों, कि शिवाजी जब अपने जवानी की ओर बढ़ता है, जब बड़े होते हैं, तो सहपाठियों के बीच जब चर्चा होती है कि हम लोग इतने अच्छे घुड़सवार हैं, हम लोग इतने अच्छे जो सो तलवारबाजी जानते हैं, तो क्यों ना ऊपर जो सो नीचे आदिल शाही साम्राज्य है या फिर ऊपर औरंगजेब का शासन है, हम लोग किसी कहीं भी जाकर सेनापति के पद को संभाल सकते हैं। इस पे शिवाजी का मत दूसरा था, उनका मानना था कि हम एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम करें, एक साम्राज्य की स्थापना करें जो इन लोगों से अलग हो और इन लोगों के अंदर हम लोग काम नहीं करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, जो आप किसी भी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो सो धन संपत्ति की आवश्यकता तो होती है, तो उन्होंने आदिल शाही साम्राज्य को लूटना शुरू किया। तो इसी लूटपाट के क्रम में दोस्तों क्या होता है कि अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है दोस्तों, कि आदिल शाही साम्राज्य में जो सबसे पहला सैन्य अभियान किया था या फिर प्रथम किला को जीता था वो 1643 में सीगढ़ का किला जीता था। ठीक है, और जो दूसरा किला जीता था 1646 में वो बीजापुर का आपका तोरण का किला था। ठीक है, यहाँ तोरण का किला है दोस्तों, और कहीं कहीं तोरण के किला को भी पहला किला बोला जाता है जो शिवाजी के द्वारा जीता गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना कि आदिल शाही के विरुद्ध 1643 में सबसे पहला
सीगढ़ का किला जीता, फिर उसके बाद फिर तोरण का किला जीता था। फिर यहाँ से उनका सिलसिला रुकता नहीं है दोस्तों, फिर 1654 में पुरंदर का जो किला था इस किले को उन्होंने जीता और अपना वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ाते गए और आदिशाही के साम्राज्य और आदिशाही साम्राज्य के मन में एक खौफ पैदा करते गए। और इसी सिलसिले में 1656 में उन्होंने जावली का किला जीता था जो कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण किला था। सामरिक दृष्टिकोण से कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि वो इस तरह का किला था कि वहाँ से आक्रमण करना या फिर किसी आक्रमण के विरुद्ध अपने आप को बचाना ये बहुत आसान था। तो इसलिए जावली का किला जो है बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो ये जो सिलसिला था उनके लूटपाट करने का आदिशाही साम्राज्य को, अब धीरे धीरे आदिशाही समाज में जो इनका खौफ बढ़ने लगा कि आखिर शिवाजी को पकड़ना ही पड़ेगा। उसी क्रम में एक घटना होती है दोस्तों कि आदिशाही साम्राज्य का जो शासक होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके जगह पर बनती है उसकी शासिका चांद बीबी। ये चांद बीबी और ये चांद बीबी दोस्तों उस समय की ऐश्वर्य राय थी और इसकी चर्चा इसलिए भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि चांद जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो वहाँ पे चांद बीबी का चर्चा होगा। ठीक है, आदिशाही साम्राज्य में तो चांद बीबी अब सोच रही थी कि शिवाजी को किस तरह कंट्रोल किया जाए क्योंकि अब उसको मारने के अलावा कोई उपाय था नहीं। तो इसी क्रम में उनके सेनापति था एक अफजल खान, वो भी एक यंग पर्सनालिटी था, उसने भी प्रण लिया चांद बीबी के सामने कि जब तक मैं उसको पकड़ूंगा नहीं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। उसने वादा किया कि मैं उसे जिंदा या मृत्यु पकड़ के लाऊंगा। इसी सिलसिले में अफजल खान निकलता है शिवाजी को पकड़ने के लिए। तो अब किसी को पकड़ना है तो उसके बारे में जानकारी तो लेनी पड़ेगी। तो अफजल खान जब पता करता है शिवाजी के बारे में तो लोगों के मुंह से सुनता है तरह तरह की बातें कहानियाँ। तो उसके लोग उसको लोग बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि शिवाजी जो उसे एक सैन्य संगठन या फिर सैन्य सेना लेके आएंगे, एक तरफ आपकी सेना दूसरी तरफ उसकी सेना और दोनों के बीच लड़ाई होगी और आप उसे पराजित करके ले जाओगे। कुछ होने वाला नहीं है, वो एकदम से चमत्कारी की पर्सनालिटी है, वो कब आएगा कब आपको मारेगा और कब पीछे से ही भाग जाएगा पता नहीं चलेगा, जो कि गुरिल्ला युद्ध नीति के अंतर्गत आता है। जब आप जिस नदी में पानी पी रहे हो उसमें ही जहर मिला देगा और वो पी के आप मर सकते हो। तो ये सब सुन के अफजल खान को लगने लगा कि ये एक साधारण पुरुष नहीं है, साधारण व्यक्तित्व नहीं है, इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो इसी क्रम में उसने सोचा कि अब कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा। और उसी क्रम में एक करेक्टर था कृष्ण जी भास्कर, कृष्ण जी भोसले को अपना गुप्तचर बना के भेजा ताकि शिवाजी को किसी तरह जो है सो अपने कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन जब वो शिवाजी के पास जाता है तो उसकी पर्सनालिटी और बोलने का तरीका जो एक प्रभावशाली नेता की होती है उसमें वो मंत्रमुग्ध होकर शिवाजी की तरफ आ जाता है और सारा जो इसका मनसा था, यानी कि अफजल खां के मन में जो मनसा चल रही थी, वो एक्चुअली में वो ध्रुत टाइप का इंसान था, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। तो ये उसको पता चल जाता है कि हमें मारने की दृष्टिकोण से आ रहा है, ये कोई संधि नहीं करना चाहता है, कोई पकड़ने नहीं चाहता। तो इसको अपने तरफ करने के बाद शिवाजी पहाड़ी पे अब कुछ सैनिकों के साथ वहाँ है और उसके चारों तरफ जो है सो अफजल खां के सैनिक जो है सो चारों तरफ से घेर लिया है। शिवाजी भी सोचता है कि अब यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। शिवाजी ऊपर है पहाड़ी के ऊपर और नीचे अफजल खान को लग रहा है कि अगर शिवाजी ऊपर है तो अपने सेना के साथ होगा और ऊपर से आक्रमण करना बहुत आसान होता है। और शिवाजी को लग रहा था कि इतने सारे सैनिक के सामने हम तो कुछ है नहीं, तो उनको भी मन में डर था और इसके मन में भी डर था कि अब जो है सो कौन जो है सो इसकी अगुवाई करेगा। तो इसी क्रम में जो है सो एक संदेश भाव को भेजता है शिवाजी के पास कि जाओ उनको बोलो कि हम जो है सो संधि करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो शिवाजी के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर थी कि वो भी चाहता था कि हम लड़ाई करें नहीं, क्योंकि उसके पास तो सेना था ही थे ही नहीं ज़्यादा। तो बोलता है ठीक है मुझे स्वीकार है, लेकिन वो ये जो वार्तालाप होगी जो भी संधि होगी अकेले में होगी। तो बोलता है ठीक है। तो इस तरह से दोनों की मुलाकात होती है। अफजल खां के मन में पहले से चल रहा था कि मैं जैसे ही उससे मिलूंगा तो उसकी हत्या कर दूंगा, और इधर शिवाजी सोच रहा था कि मैं उससे मिलूंगा तो उसकी हत्या कर दूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मनसा को समझ रहे थे। तो इसी क्रम में दोनों मिलते हैं और अफजल खां कोशिश चाहता है कि उसको गले लगा कर उस पर छुरा से वार करना चाहता है, बट मैंने बताया था कि शिवाजी पहले ही उसकी मनसा को भांप लिया था तो अपने शरीर में एक धातु का जो है सो पहन के आया था ताकि चाकू का असर ना हो, और इस वजह से वो बच जाते हैं। और इतिहास में एक आता है हथियार जिसका नाम है नकभगा। ठीक है, तो नकभगा का यूज करके, यानी कि वो हाथ में रख पहनने का होता है एक हथियार, तो उससे उसकी हत्या कर देते हैं अफजल खां की। तो यहाँ से अफजल खां की सारी मनसा और जो है सो सारा कुछ ध्वस्त हो जाता है। वो जो सोच के आया था वो तो होता नहीं, अफजल खां मारा जाता है, उसकी सैन्य टुकड़ी का भी मनोबल टूट जाता है। और जब ये बात
आदिलशाही साम्राज्य यानी कि जानबीबी को पता चलती है तो वो भी बहुत अचंभित हो जाती है और उसको लग जाता है कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है और इसको पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। तब उसने उसे एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दिया था। ठीक है, ये हो सकता है पूछ दे क्वेश्चन। तो यहाँ से दोस्तों, जब चांद बीबी का सेनापति अफजल खान मारा जाता है तो चांद बीबी अब अलर्ट हो जाती है कि जो भी शाही खजाना आ रहा था आदिल शाही साम्राज्य की तरफ एक ही जगह से, तो वो अब चाहती है कि अब टुकड़े टुकड़े में है, जैसे कि अब यही खजाना यहाँ आदिल शाही साम्राज्य है, अगर सारा खजाना एक ही जगह से इकट्ठा होकर यहाँ आएगा तो अगर एक बड़ी सी को लूट लेगा तो सारा खजाना खत्म। तो वो सोचा कि वो टुकड़े टुकड़े में इसको मंगाया जाए, अगर इधर का खजाना है तो यहाँ से, इधर का है तो यहाँ से, और यहाँ का है तो यहाँ से, यहाँ का है तो यहाँ से। तो इस तरह से इस युद्ध के बाद जब भी शिवाजी आक्रमण तो इस युद्ध के बाद जब भी शिवाजी लूटने की कोशिश करते थे तो उनको ज़्यादा खजाना हाथ लगता नहीं था। तो शिवाजी का भी टेंशन बढ़ रहा था कि अब जो सो क्या उपाय किया जाए। तो इसी क्रम में शिवाजी सोचता है कि क्यों ना औरंगजेब के खजाने को लूटा जाए। एक्चुअली में औरंगजेब से पंगा लेना उस समय काफ़ी रिस्की था, खतरनाक था, बट फिर भी रिस्क लेते हैं शिवाजी और पता करते हैं कि उसका खजाना रखा था कहाँ। तो यहाँ गुजरात के जो सूरत है यहाँ पर उसका खजाना रखाता था और काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पर खजाना रखाता था औरंगजेब का। तो शिवाजी जो है सो सूरत पे आक्रमण करता है और यहाँ पे 1664 में सूरत की पहली लूट करता है। इसके बाद भी लूट करता है लेकिन पहला जो, यानी कि जो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सूरत की पहली लूट शिवाजी के द्वारा वो 1664 में। इस डेट को, इस ईयर को आप याद रखना दोस्तों। तो आज का सेशन दोस्तों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोगों ने देखा किस तरह से अफजल खां की मृत्यु होती है और एक दहशत फैला देता है शिवाजी अपने नाम का, अपने साम्राज्य का, जिस तरह से वर्चस्व बढ़ाए जा रहे हैं धीरे धीरे। और जब ये सूरत की पहली राय और जब ये सूरत की पहली लूट यहाँ करते हैं तो यहाँ से औरंगजेब का भी टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि औरंगजेब का करेक्टर मैंने बताया था आपको किस तरह शक्की टाइप का इंसान है। अगर उसके खजाने पे किसी ने हाथ डाला तो वो किसी को छोड़ने वाला है नहीं। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे, वहाँ से देखेंगे। याद रखना दोस्तों कि अभी शिवाजी राजा नहीं बना है, वो अभी राज्याभिषेक नहीं करा है, इसके पहले बहुत सारा घटना होने वाला है। अभी शिवाजी और औरंगजेब के जो टक्कर है, जो दिलचस्प टक्कर होने वाला है, जो उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है, इसकी चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे। और इस चैनल के सारे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।